कोरोना वायरस के अब तक बिहार में 142 मरीज मिले हैं, जिनमें से 73 को डिस्चार्ज कर दिया गया और शेष को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बिहार राज्य में इसके फैलने की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक बुलाई गई और निर्णय लिया गया, जिस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस के आला अफसर सबों को यह हिदायत दी गई। सरकार के निर्देश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है और उसी निर्णय के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा दरभंगा जिला के सभी विद्यालय, निजी विद्यालय सहित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था तत्काल स्थगित रहेगी, परंतु मध्यान्ह भोजन की राशि की गणना कर सीधे संबंधित छात्र के खातों में 31 मार्च से पहले जमा करा दी जाएगी। सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, परंतु आंगनवाड़ी केंद्र से लाभुक महिलाओं को टेक होम राशन दिए जाने की व्यवस्था जारी रहेगी तथा बच्चों के भोजन की राशि की गणना कर यह राशि सीधे संबंधित अभिभावकों के बैंक खाते में 31 मार्च के पहले जमा करा दी जाएगी। उच्च स्तरीय कमेटी के में यह निर्णय लिया गया कि 22 मार्च 2020 को प्रस्तावित बिहार दिवस का आयोजन भी तत्काल स्थगित कर दिया गया है। साथ ही 18 मार्च को होने वाले पंचायत उपचुनाव को भी स्थगित कर दिया गया है। बिहार दिवस के आयोजन के लिए अगली तिथि का निर्धारण के बाद ही यह घोषणा की जाएगी। उसी तरह से पंचायत उपचुनाव की घोषणा की तिथि आगे रखी गई है। दरभंगा जिला अंतर्गत खेलकूद से संबंधित सभी तरह के आयोजन, सांस्कृतिक महोत्सव सभों को स्थगित रखा गया है। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है कि उनके कार्यालय में कर्मियों का एक साथ जुड़ाव न हो। इसके लिए आवश्यकता अनुसार समूह ग एवं अवर्गीकृत समूह के कर्मियों को दो समूह में बांटकर उन्हें एक दिन बीच कर कार्यालय आने का निर्देश संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रधान द्वारा दिया जा सकेगा। परंतु स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी लगातार ड्यूटी करते रहेंगे, इसके लिए उन्हें समुचित उप रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। बताया गया है कि भारत नेपाल सीमा पर कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की व्यवस्था और सुदृढ़ की जाएगी। दरभंगा जिला अंतर्गत संबंधित सभी सिनेमा हॉल तथा संग्रहालय तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिए गए हैं। जिला अंतर्गत अवस्थित शॉपिंग मॉल को भी बंद किए जाने के संदर्भ में निर्णय बाद में लिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा इस बाबत शनिवार को 11 बजे पूर्वाह्न एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी के में यह निर्णय लिया गया कि जो सीबीएसई की परीक्षा चल रही है वह होगी, परंतु विश्वविद्यालय स्तर पर जो परीक्षा ली जाती है उसकी तिथि आगे बढ़ाने की अपील की गई है। उच्च स्तरीय कमेटी के निर्णय अनुसार सभी सरकारी, निजी और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे सिर्फ छात्रों के लिए, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति बनी रहेगी। इसी में राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया गया है कि सभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, और मिड डे मील की राशि बच्चों को घर पर पहुंचाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। ऐसा कोई ट्रेनिंग कार्यक्रम या जहां गैदरिंग होने की संभावना है ऐसे सरकारी कार्यक्रम 31 मार्च तक बंद रहेंगे। और जो पंचायत चुनाव है उसके बारे में अलग से इंस्ट्रक्शन पास किए जाएंगे। यही सब बताया गया है। 31 मार्च तक पूरा क्लोज डाउन है और हम वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच, उसके बाद सरकार के जो निर्णय होगा उससे सूचित कर दिया जाएगा। सर मैंने किनके द्वारा बीसी किया गया था? और आदरणीय माननीय मुख्य सचिव द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, इसमें सभी विभाग के प्रधान सचिव, उप मुख्य सचिव और डीजीपी साहब सभी लोग थे, उनके द्वारा निश्चित किया गया है। ये राज्य सरकार का निर्णय। कोरोना वायरस की स्थिति क्या बताइए सर?
अभी तक तो बिहार में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकला है। लोग आशंकित हैं और उसके कारण जांच के लिए जाते हैं, परंतु सर्दी जुकाम जो नॉर्मल है वही चल रहा है। बाहर से आने वाले लोगों पर, इंडो नेपाल बॉर्डर पे या जो फ्लाइट से आते हैं पटना में गया में, उनके ऊपर विशेष चौकसी बरती जा रही है, जैसा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पता चला। तो अभी तक तो स्थिति भयावह नहीं है और होपफुली हम उसको ऐसे पार कर जाएंगे। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन भी कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर चुकी है। कोरोना वायरस से संक्रमित यदि कोई भी मरीज आता है तो इसके लिए डीएमसीएच में 6 बेड वाला एक विशेष वार्ड बनाया गया है। अगर कोई भी संक्रमित मरीज आता है तो इसे यहीं रखा जाएगा। इस वार्ड में कोरोना वायरस किट तथा कोरोना वायरस मास्क और भी कई सामान उपलब्ध रखे गए हैं। इसके लिए एक नोडल पदाधिकारी एवं एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी मरीज आता है तो उसका टेस्ट किया जाएगा तथा इसका टेस्ट सैंपल पटना भेजा जाएगा। यह मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा। इसीलिए कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज जो भी आते हैं उनका उनकी जांच होगी और जांच उपरांत ही पता चल सकेगा। कोरोना वायरस को लेकर के डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने कहा है कि अफवाह से दूर रहें और अफवाह न फैलाएं। कोरोना वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है। यह एक संक्रमित है लेकिन इसे अफवाह के रूप में ना लें। कोरोना वायरस को लेकर के सबसे पहले यहाँ करीब 15 दिन पहले एक आइसोलेशन वार्ड बना 6 बेड का, और उस बेड के अतिरिक्त वहाँ जितने भी कोरोना वायरस मास्क हैं वो भी वहाँ उपलब्ध है। पर्सनल प्रोटेक्शन किट है वो भी है, जिसके अंदर चश्मा, मास्क, गाउन और भी सारे सामान उसके अंदर रहते हैं, तो वो सब वहाँ उपलब्ध है। हमने एक नोडल अफसर बनाया है डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह को, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक प्राध्यापक हैं, वहाँ वो नोडल अफसर हैं। और तीनों पालियों में हमने एक दो दो डॉक्टरों की वहाँ पर मैंने वो किया है, डिप्यूट किया है, और वो पीओडी जो हमारे होते हैं उससे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। और दूसरी बात कि जब नर्सेज भी वहाँ तीनों पालियाँ में हैं, थर्ड ग्रेड भी है, सफाई कर्मी भी है, हमने सुरक्षा कर्मी को भी सुनिश्चित किया है कि वहाँ रहे। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। दिल्ली पब्लिक स्कूल क्लास नर्सरी टू 10th सीबीएसई करिकुलम रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन ऑन 5th जनवरी 2020। इंग्लिश मीडियम स्कूल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, लर्निंग फॉर ऑल क्लासेस एंड वेल इक्विप्ड क्लासेस, मैग्निफिसेंट स्कूल बिल्डिंग, क्रिएटिव टीचिंग, स्मार्ट क्लासेस, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम्स, मार्शल आर्ट विल बी स्टार्ट, कंप्यूटर रूम अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल सीजन 2020-2021। मिर्जापुर नियर सिटी लाइफ मॉल दरभंगा 7739108822879728557। कोचिंग से लौट रहे भाई बहन के डूबने से हुई मौत। दोनों के शव को तालाब से निकाला गया बाहर और इस घटना को लेकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यह घटना केवटी प्रखंड क्षेत्र के पिंडारुच गांव के एक परिवार की है, जहां भाई बहन के डूबने से ही मौत हो गई। 9 साल के सत्यम कुमार और 6 साल की पायल कुमारी दोनों शाम में गांव के ही निजी कोचिंग से पढ़ाई कर घर लौट रही थी। रास्ते में तालाब में दोनों के डूबने से मौत हो गई। दोनों के डूबने के कारण स्पष्ट नहीं है। जब देर शाम दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तालाब में शुरू किए, तब तालाब में सत्यम का शव तैरता नजर आया, जिसके बाद गांव के स्थानीय मछुआरे के सहयोग से
महाजाल से तालाब में खोजबीन शुरू किया गया तो पायल कुमारी का भी शव तालाब में ही मिल गया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तम कुमार नाम है इसका, इसका छोटी बहन पायल है। दोनों आदमी ट्यूशन पढ़ने के लिए अब गांव से मैंने घर से थोड़ा दूर आगे जा करके ट्यूशन कोचिंग चल रहा है, वहां जा करके ये लोग ट्यूशन पढ़ रही थी। वहां से 5:30 बजे वहां से निकला और शॉर्टकट रास्ता एक है, शॉर्टकट रास्ता से अपना घर के लिए आ रहा था। इसी बीच में एक डाबरा है, कुआं मैंने क्या कहते हैं उसको, पोखरा टाइप का है, वो पोखरा में बच्चा जात था। बच्चा वहाँ पर मैं आप किने से उसमें हाथ धोने के लिए गया कि पाँव धोने के लिए गया कि खेलने के लिए गया, वो बच्चा जो है सो दोनों भाई बहन उसमें डूब गया। जब घर पर नहीं आया तो 6 बजे में उनका माँ पिता सभी आदमी ताकने लगा जो मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ है बच्चा। सभी आदमी तब खोजने लगा तो खोजते खोजते जब वहाँ गया तालाब, वहाँ क्या कहते हैं पोखरा के नज़दीक गया तो देखा जो बच्चा, एक बच्चा लड़का जो था सत्यम कुमार, उसके पीठ पर में स्कूल बैग टंगा हुआ था। वह बैग पानी में देख रहा था, दहला रहा था, तो उससे सबको शक हुआ जो बच्चा है। उसको जब देखा तो वो लड़का था जिसको तीन से मृत था। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी ही एक घटना को कह सकते हैं कि अगर आप खाना बना रहे हैं और सावधानी नहीं बरते तो कुछ भी होने की संभावना बन सकती है, आग लग सकती है या फिर कोई अनहोनी की घटनाएं घट सकती हैं। माँ खाना बना रही थी और इसी दरमियान 3 वर्षीय पुत्र अनिकेत कुमार पर गर्म खौलता हुआ पानी गिर गया। गर्म पानी गिरने के कारण शरीर का काफी हिस्सा जल गया। घटना के तुरंत बाद उसे इलाज के लिए DMCH लाया गया। फिलहाल इस बच्चे का DMCH में इलाज चल रहा है। हालांकि बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है, उसे पटना रेफर करने की भी बात डॉक्टर कह रहे हैं। खाना बना रही थी, गर्म पानी में अचानक गिर गया। फिर ये बच्चा कहाँ पे था, कैसे ये सब हुआ? वो बेड पे था सर। चावल बना रहे थे आपकी पत्नी? जी चावल बना रहे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों के आवंटन में अनुकंपा मामलों को छोड़कर प्रथम प्राथमिकता स्वयं सहायता समूहों को दी जाएगी। इसके बाद क्रम से महिला सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार तथा संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकानों की रिक्तियों को भरने में आरक्षण रोस्टर का भी अनुपालन किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा बताया गया कि उचित मूल्य की दुकानों की रिक्तियों में अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18%, पिछड़ा वर्ग को 12% एवं पिछले वर्ग की महिलाओं को 3% आरक्षण का लाभ प्राप्त है। अनुसूचित जनजाति का सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर इसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा जाएगा। उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक को मैट्रिक पास एवं वयस्क होना चाहिए, परंतु कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला चयन समिति द्वारा चयन सूची पर निर्णय के उपरांत दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2020 निर्धारित की गई है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। समान काम के बदले समान वेतन की मांग सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा की ओर से 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। 18वें दिन भी हड़ताली शिक्षकों ने
डीईओ और डीपीओ कार्यालय का घेराव किया और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। चोर गति छोर गति छोर गति छोर गति छोर इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हड़ताल के 26वें दिन शिक्षकों ने दरभंगा टावर पर नुक्कड़ सभा करके अपनी मांगों के प्रति लोगों को जागरूक किया और शिक्षकों के हड़ताल में सहयोग करने की अपील की। जब तक शिक्षक भूखा है शिक्षक जिंदाबाद शिक्षा विरोधी सरकार। पर गांधी जी के मूर्ति के सामने राजसंघ के आह्वान पर आज नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि यह सरकार शिक्षक विरोधी ही नहीं शिक्षा विरोधी भी है और यह सरकार शिक्षा को चौपट करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। मैं शिक्षा बचाने के लिए इन जनताओं को कहा है कि सरकार को बताइए आने वाले चुनाव में कि सरकार ने किस तरह से रेलवे का निजीकरण कर दिया, टेलीफोन का निजीकरण कर दिया और अब शिक्षा का निजीकरण करने के चक्कर में है। इसलिए हम इन नुक्कड़ सभा से मांग करते हैं कि आप आइए नीतीश कुमार जी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाइए। 17 फरवरी से शिक्षक हड़ताल पर है, आप भी कुछ नाम करके जाइए बिहार के अंदर में। बहुत काम आपने किया, यह भी एक काम करके जाइए, नहीं तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता शिक्षा विरोधी होने के कारण आपको जमीन पर ला करके खड़ा कर देगी। सरफराज आलम के साथ सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक सैदनगर एक्मी रोड लहेरा सराय दरभंगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई की ओर से मिथिला महोत्सव के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 15 मार्च 2020 को पाक शोभा यात्रा निकाला जाएगा और यह आयोजन 4 दिवसीय होगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक कोरोना वायरस को लेकर बुलाई गई थी और जिसमें सभी जिलाधिकारी को भी यह निर्देशित किया गया और इसी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय चाहे वह निजी संस्थान, निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, कोचिंग संस्थान सभी को बंद कर दिया गया है और ऐसे संस्थानों में होने वाले सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महोत्सव को भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है। ऐसे में देखते हैं कि यह 15 मार्च को होने वाला महोत्सव कितना सफल होता है। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। ये प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य छे जे हमर यूनिवर्सिटी टीम के जे मुख्य प्रवक्ता छथिन जयप्रकाश झा जी और संपूर्ण मिथिला यूनिवर्सिटी टीम जे एमएसयू के छै, एकरा द्वारा मिथिला महोत्सव का कार्यक्रम शिवराम बेनीपुर में रखल गेले हं। ऐ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छै जे आई हमर जे टीम और एमएसयू जे छात्र के हित में जे कार्य करित एले, अइमे जे छात्र के हित को लेकर जे परेशानी छे, दिक्कत छे, खास कर के जे अशिक्षा और शिक्षा के जे दूरी छे ओकरा अखन तक हमर यूनिवर्सिटी प्रशासन खत्म नहीं कर पा रहल छे और शिक्षा के बावजूद जे बेरोजगारी छे ओकरा केना खत्म कैल जाए, अइ विभिन्न मुद्दा पर आ यहां देख लियो कि लाखों विद्यार्थी
जे एत से पोस्ट ग्रेजुएट करे छथिन एत से ग्रेजुएशन करे छथिन लेकिन ओई डिग्री लेला के बाद ओकर भविष्य जे छै से अधिकार बाई छै तो एकर निपटारा की केना हेबाक चाहिए एकर निवारण केना हेबाक चाहिए और एकर मांग के मुख्य रूप से सरकार और सत्ता के बीच केना रखल जेबाक चाहिए एहि पर तमाम मिथिला के जे विद्वान छथिन जे मिथिला के ज्ञाता छथिन हुनका लोकायन के एगो संग्रह क के एहि कार्यक्रम में एगो सेमिनार के रूप में हुनका लोग से हुनका लोग के बात रखे के एत के जे विभिन्न डेवलप युवा छै ओकर बात रखे के एगो ई मंच हेतै। सीएम साइंस कॉलेज के भौतिकी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार ठाकुर को ऑनलाइन यूजीसी केयर के अंतर्गत सूचीबद्ध शोध पत्रिका आवर हेरिटेज के संपादक मंडल में शामिल किया गया है। कृपा दृष्टि पब्लिकेशन के तहत प्रकाशित होने वाले इस पत्रिका की एग्जीक्यूटिव एडिटर श्रीमती रंजनी ने शुक्रवार को ईमेल के माध्यम से डॉक्टर ठाकुर को यह जानकारी दी। ईमेल के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार अनुक्रमित रेफरी और सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई आवर हेरिटेज पत्रिका में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी प्रबंधन चिकित्सा विज्ञान सामाजिक विज्ञान शिक्षा कृषि भूगोल वनस्पति विज्ञान व्यवसाय अनुसंधान सहित कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी ई कॉमर्स आदि विषयों से संबंधित शोध आलेखों का प्रकाशन किया जाता है। डॉक्टर ठाकुर को इस पत्रिका के कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी विषय शोध आलेखों के संपादक मंडल में शामिल किया गया है। डॉक्टर ठाकुर की इस उपलब्धि पर सीएम साइंस कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सतीश चंद्र झा रसायन विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय मिश्र जंतु विभाग विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार IQAC सहायक प्रवीण कुमार झा राधेश्याम झा अनुपम कुमार झा रोहित कुमार झा समेत उमेश ठाकुर ने शुभकामनाएं दी है।